स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, तो इसमें जो है ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। इधर साइन 2x है प्लस कॉस एक्स, यानी कि दोनों अलग अलग टर्म्स हैं हमारे पास। तो इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा ये। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो साइन 2x है, इसको हम जो है साइन 2a वाले फार्मूले से इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2sin a cos a में, ठीक है ना। तो इसको हम करते हैं साइन 2a वाला फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो साइन 2a वाला फार्मूला लगाएंगे तो 2 2sin a cos a होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2sin x cos x, ठीक है। इसको हमने यहाँ ये फार्मूला लगा दिया साइन 2a वाला, प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। और साइड में हम लिख देते हैं बिकॉज साइन 2a इज इक्वल टू 2sin a cos a। तो ये फार्मूला हमने लगा के साइन 2x को जो है इस तरह से हमने एक्सपेंड कर लिया। अच्छा, अब अगले केस में हम अगले स्टेप में हम करेंगे यहाँ पे ये कॉस एक्स और कॉस एक्स दोनों में सेम है, तो इसको हम कॉस एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमने कॉस एक्स कॉमन ले लिया, कॉस एक्स कॉमन लिया, तो अंदर हमारे को मिला 2sin x प्लस, यहाँ पे कॉमन ले लिए कॉस एक्स, तो यहाँ 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब या तो एक बार कॉस एक्स को 0 से एक्स इक्वेट कर देंगे, और एक बार जो है 2sin x + 1 को 0 से एक्स इक्वेट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 और 2sin x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हमने दोनों को 0 से इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब कॉस एक्स 0 जो है, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कॉस एक्स 0 कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कॉस एक्स जो है वो 0 कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बताया था कॉस एक्स का, तो ये हमारा जो कॉस एक्स 0 होता है, ये होता है 2n + 1 π/2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी के ये 9 π/2 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो 90 डिग्री मल्टीपल ऑफ, ये ऑड नंबर है हमारा 2n + 1, ठीक है। तो 90 डिग्री मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर्स जितना भी होगा वो हमारा x जो है वहाँ पर cos 0 आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे आप n की वैल्यू आप डालते चले जाइए, आपको cos 0 की वैल्यू पता लगती रहेगी कि कहाँ कहाँ पर जो है cos 0 है। मान लो हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख देते हैं, n इंटू 0 + 1 π/2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये 0 हो गया, 0 + π/2, यानी के 90 डिग्री। कॉस जो है वो 90 डिग्री पे 0 हुआ। अब मान लो हम एन की जगह 1 रख लेते हैं, +1 π/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 1 π/2, और ये हो जाएगा हमारा 3π/2, ठीक है ना। तो यानी कि 3π/2 क्या हुआ, 270 डिग्री हो गया। तो 270 डिग्री पे कॉस 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप एन की वैल्यूज रखते चले जाइए जो भी, और आपको कॉस 0 की वैल्यू पता लगती रहेगी। या तो आप प्लस में रखते चले जाइए या आप माइनस में रखते चले जाइए। तो ये हमारा कॉस 0 निकालने का जो है फार्मूला है 2n + 1 π/2, ठीक है ना। ऐसे ही हमने साइन एक्स का, मैंने आपको बताया था साइन एक्स जो है वो π n पे 0 होता है, टेन एक्स जो है टेन जो है वो 0 होता है, π n पे 0 होता है,
ऐसे जो कॉस होता है वो 90 डिग्री मल्टीपल्स ऑफ ऑड नंबर्स पे जीरो होता है, ठीक है ना। तो अब हम हमें पता लग गया कि कॉस जीरो कहाँ होता है, तो हमें ये जो है ये वैल्यू हम उठा के रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू और n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक हमारा पास वैल्यू आ गई है, अच्छा अब इसको इक्वेट करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin x इज इक्वल टू, ये प्लस वन को इधर लेके आएंगे तो ये -1 हो जाएगा, और साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अच्छा अब इसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालने से पहले जो है हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि जो साइन एक्स का जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है एन पाई प्लस -1 × n^7π/6, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताई थी ये जो साइन के जनरल सॉल्यूशन की जो हमारे पास थ्योरम है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 n और y जो है हमारा जो, या थीटा इसको कह लो, ये हमारा जो है ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। तो इसको करने से पहले हमें ये y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू जो है हम निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले माइनस साइन को हाइड कर देते हैं। तो साइन हाफ, तो साइन हाफ कहाँ पर जीरो होता, कहाँ पर हाफ होता है, तो ये साइन हाफ होता है, ये हमने क्वाड्रेंट बनाया, तो साइन हाफ जो है वो 30 डिग्री पे हाफ होता है, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता लग गया कि ये 30 डिग्री पे हाफ होता है। तो ये हमने 30 डिग्री का पॉजिटिव एंगल बना दिया, ठीक है। अब हमें -30 डिग्री का देखना है कि -30 डिग्री कहाँ कहाँ होता है साइन में। तो हम देखेंगे कि साइन में -30 डिग्री कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ तो प्लस प्लस होते हैं सारे के सारे, यहाँ पर भी साइन प्लस होता है, यहाँ नेगेटिव होता है साइन, और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन, ठीक है ना। तो हम यहाँ एक थर्ड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे एक्स एक्सिस को बेस लेके, और एक बना लेंगे एंगल हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया और ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब थीटा को काउंट कैसे करते हैं, थीटा को काउंट करते हैं एक्स एक्सिस से लेके और ये यहाँ तक हमारा ये थीटा हो गया, ठीक है ना। तो एक थीटा हमारे पास ये आ जाएगा और दूसरा थीटा ये आ जाएगा। तो हमें एक ही वैल्यू की ज़रूरत है इसका जनरल सॉल्यूशन लेने के लिए, तो हम जो छोटा वाला एंगल है उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। तो छोटा वाला एंगल हमारा क्या बनेगा, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन माइनस हाफ को साइन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा -sin π/6 यानी कि 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक तो पाई है, तो पाई में 30 डिग्री और जोड़ दें तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा π + π/6, ठीक है ना। और इसको हम आगे करेंगे तो ये 6 हमारा आ गया LCM और 6π + π = 7π/6। तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। अब इसका हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्योंकि हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकाल लिया। तो इसमें ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू जो है जनरल सॉल्यूशन में हम रख देंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा साइन का साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा,
यानी के साइन वाई जो भी आप कहना चाहें, तो ये एक्स हो जाएगा हमारा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, और यहाँ थीटा है तो थीटा की वैल्यू हम ये 7π/6 रख देंगे, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया इसका। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन को जो है करा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे सारे स्टेप्स इसके समझ में आ गए होंगे। और वैसे तो मैंने समझाने की काफ़ी कोशिश करी है, पर फिर भी हो सकता है कोई आपको स्टेप समझ में ना आ रहा हो, तो आप प्लीज़ जो है मुझे, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी भी स्टेप में मेरे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बता सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए, तो मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी आपको थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको सारे स्टेप समझ में आ रहे होंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे, ठीक है ना। और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझे अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब उसको करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप मैं जो भी अपनी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाएगा, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक्स।